फ्रेंड्स, ये हमारा रूम है, रूम का किचन है। अभी शाम का 6 बज रहा है, अभी मैं ड्यूटी जाऊंगा, लेकिन बहुत काम था रूम में, मैं सो नहीं पाया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कपड़ा साफ किया, बहुत गंदा हो गया था कपड़ा, 2 दिन से सेम कपड़ा पहन रहा था, तो कपड़ा साफ किया, बर्तन रूम में साफ किया, और मोबाइल बहुत 4-5 तो वीडियो हो गया था, तो उसको मैंने एडिटिंग किया, वॉइस ओवर किया, बहुत ज़्यादा काम था, बिल्कुल भी सोया नहीं, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। फिर भी क्या करेंगे, ड्यूटी जाना पड़ेगा। इधर मैं नहा के टॉवल सुखाया, इधर मैं कपड़ा सुखाता हूँ, फिर ये मेरा रूम का किचन है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरा वीडियो को लाइक शेयर करिए, फिर मैं जाके आपको किचन में मिलता हूँ। आज मेरे सामने बोला स्नैक्स बनाने, मैं स्नैक्स बनाऊँगा आज, जाकर डायरेक्ट किचन में मिलता हूँ। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन का एक नया रेसिपी। आप लोग बहुत सारा रेसिपी इसका देखे होंगे यूट्यूब पे, मैं आज बना रहा हूँ। क्या बताइए कौन सा? मैं जुलियन चिकन काट रहा हूँ। कमेंट में आप बताइए मैं कौन सा चिकन बना रहा हूँ। मैं अभी बताऊँगा नहीं, आप मेरे को कमेंट करके बताइए मैं कौन सा चिकन बना रहा हूँ, तो फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा कि मैं कौन सा चिकन बना रहा हूँ। तो सो स्टार्ट करते हैं। मैं इधर चिकन के जुलियन काट लिया, इधर थोड़ा साल्ट पेपर, मेरे पास चिली पेस्ट नहीं था, मेरे पास सेजन सॉस था, तो मैं डाल दिया, चलता है। चिली पेस्ट और सेजन सॉस एक ही है, लेकिन उसमें फ्लेवर रहता, चिली पेस्ट में फ्लेवर नहीं रहता, सिर्फ गार्लिक का फ्लेवर रहता, तो चलता है। तो मैं इसमें साल्ट पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और क्या लाइट एकदम बिल्कुल थोड़ा सा सोया सॉस और सेजन सॉस डाल के इसको कॉर्नफ्लावर डाल के मैदा डाल के इसको मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया। आप चाहे तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर डाल के फ्राई कर सकते हैं, इसी तरह आप तेल में डाल के उसको फ्राई कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसको जुलियन जो मैं जुलियन काटा चिकन में छोटा छोटा काटा है, आप चाहे ना इसका बड़ा बड़ा भी काट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसने छोटा काटा मतलब मैं भी छोटा काटूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना हिसाब से काट सकते हैं। तो सो इसको फ्राई करने के बाद हम फिर चलेंगे इसका थोड़ा बेस बनाने, मतलब मैं जनरली मैं बेस बोलता हूँ इसको, इसको बेस नहीं बोलते, इसका ग्रेवी बोलते हैं, ग्रेवी तैयार करने जाएंगे। तो इसको जिसके साथ हम चिकन को टॉस करेंगे, टॉस वो जो क्रिकेट का टॉस नहीं, उसको टॉस बोलते हैं, वो वाला नहीं, ये हम कुकिंग का टॉस बोलते हैं इसको। तो सो मैं अगर बोलने का मेरा गलती कहीं हो जा रहा होगा तो फिर आप लोग देख लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो क्या बोलेंगे, तो इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं, ऐसे ही मैं ऑयल फ्राई कर लिया, हमारे सार को पता चलेगा तो मेरा जान ले लेगा, वो बोलेगा क्या तुम मेरे को हेल्दी नहीं खिला रहा है, पूरा फैट ही दे रहा है ऑयल फ्राई करके, मेरे को ऑयल फ्राई करा रहा है, खिला रहा है, मैं तो मेरे को मोटा करा देगा। तो सो क्या करेंगे, इसलिए मैंने जो ऑयल नहीं डाला, आप चाहे तो ऑयल डाल सकते हैं, थोड़ा गार्लिक ज़्यादा, जिंजर कम, जुलियन कैप्सिकम, जुलियन ऑनियन और थोड़ा सा इसमें करी पत्ता डाल दिया मैंने, और मिर्ची तो एक्सेस काट लिया था मैं उधर, मैं उसको फेंकूँगा नहीं, उसमें टैकोस में यूज कर दूँगा उसको, कोई चीज़ में फेंकता नहीं हूँ, अगर इधर नहीं डालूँगा उधर डाल दूँगा, लेकिन यूज करूँगा, फेंकूँगा नहीं, काय को फेंकना भाई, फेंकने का नहीं यूज़ करने का। ऐसे ही भाई आज दुनिया में मतलब सब्जी सोने के भाव में बेच रहा है भाई, इसलिए फेंकते नहीं हम लोग, किसी न किसी तरह में यूज करते हैं, नहीं तो सूप में यूज कर लेंगे, टैकोस में यूज कर लेंगे, तो ब्रेकफास्ट में यूज कर लेंगे, किसी में भी यूज कर लेंगे, फेंकेंगे नहीं, है ना, नहीं तो उसको पेपर्स का पेस्ट बना रखेंगे, किस चीज़ में डालेंगे, ग्रिल करके रख देंगे, पेपर्स को थोड़ा टोस्ट कर लेंगे, ग्रिल कर लेंगे, तो नहीं तो उसको थोड़ा ओवन में रोस्ट कर लेंगे, लेकर उसका सॉस बना लेंगे, है ना, पेस्ट बना लेंगे बस। इधर को थोड़ा मैं चिली सॉस, टमाटर सॉस, सोया सॉस, विनेगर, साल्ट, पेपर डाल के ग्रेवी बना लिया, क्योंकि मैं अकेला हूँ ना फ्रेंड्स, मैं बना रहा हूँ, तो मैं क्या होता है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैं उसको स्पीड कर लेता हूँ, काट देता हूँ, बता नहीं मतलब दिखा नहीं पाता हूँ, फिर भी मैं आप बता दे रहा हूँ बराबर। और इसका अंदर जाएगा मेरा जादू, जादू मीन्स धनिया, मेरा प्रिय मित्र धनिया और इंडियन किंग, तो इसका डाल के उसको फिनिशिंग करेंगे, उसका उसको प्लेटिंग करेंगे बस, इसी तरह आप आग वाग लगा भी सकते हैं, आपका मर्जी, लेकिन किचन में आग मत लगा दीजिए, किचन में चले जाए उसके साथ में आपका हालत भी ख़राब हो जाएगी, इससे अच्छा तो थोड़ा हमको एक्सपीरियंस है, इसलिए पकड़ लगा तो कोई बात नहीं, हमको आता है कि अगर आग पकड़ लिया कैसे बंद करें। तो जैसे हम लोग कभी कभी फायर कुकिंग करते हैं तो पूरा एकदम पैन में आग ही लगा देते हैं वो फायर में ऑटोमेटिक पकते रहता है, तो थोड़ा टेस्ट कर लेंगे कैसा है क्या है भाई, बीच बीच में टेस्ट करना जरूरी है। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।